अल्पतरू शांति नाथा ये श्री सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं संत और भगवंती भक्ति भक्त के भाग को सौभाग्य बनाती है इस पंचम काल में पापों की निर्जरा के लिए और मनोरथ के पूर्ण करने के लिए दुखी से सुखी बनने के लिए यदि कोई शक्ति है कोई युक्ति है तो परमात्मा और महात्मा से इनसाइट और आउटसाइट से उनसे अपना रेंज और नेटवर्क बना के रखिएगा स्वयं को पूज्य बनाने के लिए स्वयं को पूज्य बनाने के लिए जनराज और मुनिराज की पूजन की जाती है किसी भी कार्य को बगैर प्रयोजन से नहीं किया जाता है परमात्मा और महात्मा की स्तुति करने वाला एक दिन स्वयं स्तुत्व बन जाता है संत और भगवान के दर्शन से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है वही व्यक्ति दार्शनिक बन जाता है जो है काल उठ कर के सच्चे दिल से परमात्मा और महात्मा का स्मरण करता है मैं तो कहता हूँ उसका दिन क्या उसका संपूर्ण जीवन मंगलाय मंगलाचरणवत हो जाता है विचार एक सांचा है विचार एक सांचा है और हमारा जीवन उसमें एक गीली मिट्टी है जैसे विचारों में हम डूबेंगे वैसे जीवन के सांचे से हम वैसे ढल जाएंगे वैसे ही हमारे आचार हो जाएंगे वैसे ही हमको सहयोगी मिल जाएंगे वैसे ही दिशा की हमको जानकारी और रुचि और प्रेरणा मिल जाती है इसलिए श्रेष्ठ बनना हो तो जरूर श्रेष्ठ पुरुषों की संगति करो क्योंकि संत पुरुषों की संगति से ही सनमति की प्राप्ति होती है इसलिए संत हमारे लिए पूज्य हैं और भगवंत हैं महान आत्माओं अच्छे कार्य को दिल से और दिमाग से जरूर प्रशंसा करना चाहिए शुभ कार्य की जो प्रशंसा करते हैं उन्हें साथतिशय पुण्य की प्राप्ति होती है और धर्म प्रभावना भी होती है और उस प्रभावना से हम प्रभावित भी होते हैं आज भारत में अनेक धर्म अनुष्ठान हो रहे हैं परंतु 28, 29 व 30 दिसंबर समय शिखर सिद्ध क्षेत्र में इस वर्ष आचार्य भगवंत विमल सागर जी की पच्चीसवीं पुण्यतिथि का एक महान महोत्सव भक्तों का मेला यहाँ पर समय शिखर तीर्थ राज पर क्योंकि यह सिद्ध तीर्थ है और इस सिद्ध तीर्थ पर एक प्रसिद्ध संत हुए हैं जिनका नाम आचार्य विमल सागर भारत का हर जैन और अजैन जिनकी साधना से जिनके ज्ञान ध्यान की प्रभाव से उनसे जीव प्रभावित हुआ करते थे आचार्य विमल सागर आर्स परम्परानुगामी हमारे महान संत हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में सोनागिरी सम्य शिखर आदि अनेक तीर्थों का संरक्षण और संवर्धन भी किया है और उन्होंने चेतन तीर्थ भी दिए हैं अनेक संसारियों को सन्यासी बनाकर मोक्ष मार्ग में लगाया है परमात्मा और महात्मा की भक्ति कैसे करना चाहिए जैसे मछली और पानी का संबंध होता है कि मछली पानी के बगैर रह नहीं सकती है ऐसे ही भक्तों को परमात्मा और महात्मा की भक्ति के बगैर सच्चा भक्त रह नहीं सकता है इसलिए महात्माओं के भक्त एक बहुत अच्छा एक कार्यक्रम समय शिकर इस शाश्वत तीर्थराज पर क्योंकि यह जो तीर्थराज है यह भरत क्षेत्र आर्यखंड का सबसे बड़ा तीर्थ है शाश्वत तीर्थ है आपको प्रथम यहाँ पर आने पर तीर्थ वंदना का तो लाभ होगा ही होगा साथ में सिद्ध प्रसिद्ध जो हमारे आचार्य भगवंत बिमल सागर जी हुए हैं उनकी 25वीं समाधि दिवस का भी कार्यक्रम होगा और 2019 के वर्ष का इस समापन पर नवीन वर्ष के प्रारंभ पर नई चेतना और नई योजना और नई भावना के लिए भी आप सब लोगों पर इस क्षेत्र पर आने का सौभाग्य मिलेगा रिश्ता कभी समाप्त नहीं होते रिश्ते यदि आँखों से छूटते हैं तो यादों में रह जाते हैं और दया या याद और दुआ ये नज़र नहीं आती है दुआ के लिए हाथों की आवश्यकता नहीं होती और याद के लिए सामने वाले के चित्त की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि याद जो किया जाता है वह चित्त से अर्थात दिल से किया जाता है निश्चित है जिन साहु गुण कीर्तन प्रशंसणा विनय दान संपन्ना धवला पुस्तक तेरह में आचार्य भगवत ने कहा है जो जिन राज की और मुनिराज के गुणों का कीर्तन भजन करता है उसके पुण्य की प्राप्ति होती है उसके पाप की निर्जरा होती है। निश्चित है श्रद्धा जो हुआ करती है वह आत्मी हुआ करती है और श्रद्धा जो होती है वह अनुभूति का विषय और भक्ति जो होती है वह अंतरंग से बाहर भी प्रकट हो जाती है भक्ति कैसी होना चाहिए अनन्न अनन्न का अर्थ होता है एक ही जिसका लक्ष्य हो ऐसी अनन्न भक्ति जो करते हैं उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती है भक्ति कैसा होना चाहिए अभेद भक्ति जहाँ पर परमात्मा और भक्त में जहाँ गुरु और शिष्य में आत्मीयता से इतने आप समीप आ जाइए उसे कहते हैं अभेद भक्ति तो हम तो यही चाहते हैं भारत के संपूर्ण भक्तजन परमात्मा और महात्मा की भक्ति में त्रिकाल संलग्न रहें और त्रियोग से संलग्न रहें तो निश्चित है उनके मनोरथ ज़रूर पूर्ण होंगे और उनके जीवन में सुख शांति ज़रूर आएगी आचार्य विमल सागर महाराज जी लगभग आज से पैंसठ वर्ष के पूर्व की ये घटना है जब आचार्य महाराज नागौर में आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी के प्रथम शिष्य वीर सागर जी हुए उनके दर्शनार्थ आचार्य विमल सागर जी ब्रह्मचारी अवस्था में जब वहाँ पर पहुँचे थे तो उन आचार्य वीर सागर की शिष्या सुपारसमती माता जी थे सुपारसमती माता जी से आचार्य विमल सागर महाराज जी ने जो शब्द कहे थे वह हमारे जीवन में आज भी हृदय में अंकित हैं उन्होंने कहा था हमेशा प्रसन्न चित्त रहो क्योंकि आसन्न भव्य ही प्रसन्न रहता है उन्होंने सुपार्शमती माता जी को ये बात कही हुई थी छिद्रनुवेशी नहीं बनो गुणग्राही बनो प्रतिकूलता में बरसों नहीं और अनुकूलता में हर्षो नहीं ख्याति लाभ के लिए कभी तरसो नहीं यानी कि वह शुरू से ही परमात्मा की भक्ति में बहुत अग्रसर रहते हैं दे, दे और गुरु भक्ति और जिनेन्द्र देव का भगवान का पंचामृत अभिषेक देखना उनके जीवन में वह उनकी अभिरुचि थी ऐसे आचार्य भगवंत विमल सागर जी महान यथा नाम तथा गुण से विभूषित जैसे थे यथा राजा तथा प्रजा यथा गुरु तथा भक्त की पद्धति आज भी प्रचलित हो रही है कि आचार्य विमल सागर जैसे महान आचार्य थे तो आज उनके भक्त भी उनकी भक्ति में बहुत अग्रसर रहते हैं ऐसे आर के जैन साहब बॉम्बे वाले शेखरचंद पहाड़िया संजय चमनलाल लाल जी बोरा और मनोज जी आदि भारत के अनेक भक्त लोग यहाँ पर आके इस कार्यक्रम के लिए भी योजना वक्त बना के पूर्ण रूप से वह प्रत्नशील हैं हम चाहे हम मेरी यही भावना है यह कार्यक्रम निर्विघ्न शानंद और प्रभा धर्म की प्रभावना एक तो संपन्न हो विमल सागर महाराज जी सिद्ध पुरुष और महापुरुष थे उन्होंने अपने जीवन में अर्धरास्त्री से ब्रह्म मुहूर्त तक सदैव वह परमात्मा के ज्ञान ध्यान और तप में ही लवलीन रहते थे संत को साधना से स्वयं भी सिद्धियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं ऐसे विमल सागर महाराज जी के चरणों में हमारा त्रियोग भक्ति पूर्वक त्रिकाल से बारंबार नमोस्तु हो यह कार्यक्रम में जिनका पुण्य और भाग्य होगा ज़रूर संसार के सभी व्यक्ति अपने सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए अपने पाप को पुण्य में कन्वर्ट करने के लिए यह महोत्सव राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण भारत के संपूर्ण दिगंबर जैन समाज के लिए यह शुभ अवसर है ऐसे चांस पर ऐसे शुभ अवसर पर हम लोगों को सभी अपने जिन धर्म की प्रभावना और आचार्य भगवंत की भक्ति करना याद रखो एक बार यदि आपने भगवान पार्श्वनाथ की जय बोल दी तो ये मान लीजिए तीन लोग के तीन काल के जितने तीर्थंकर और जितने अरंत हैं उनकी भक्ति का उनकी जय बोलने का पुण्य लग गया है ऐसे एक बार यदि आपने आचार्य विमल सागर जी की आपने जय बोल दी उनके नाम का स्मरण कर लिया उनकी जाप कर ली तो इस तीन लोग के त्रिकाल के जितने आचार्य हैं उनका आशीर्वाद और उनकी भक्ति का पुण्य आपको मिलेगा यह कार्यक्रम अद्भुत और अनुपम और निर्विघ्न सानंद हो यही मंगल भावना के साथ सभी को हमारा बहुत बहुत मांगलिक आशीर्वाद बोलो चार्य आचार्य शांति सागर जी महाराज की दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत गुरुदेव अभिनंदन सागर जी महाराज की जय बोले देवादे आदिनाथ भगवान की जय पर भगवान की जय महावीर भगवान की जय परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महाराज की जय आचार्य महावीरकृतिजी महाराज की जय आचार्य श्री विमल सागर महाराज की जय आचार्य श्रीमती सागर महाराज की जय परम प्रातः प्रात बाल ब्रह्मचार्य आज अन्य सट आचार्य संभव सागर गुरुदेव की जय तीन कम नव कर्मी महाराज की जय पचस्व रजत महोत्सव की जय समता रस को पीने वाले ये स्थान है करुणा जिनके भरी हुई थी कसाय ये देश भकर न ऐसे गुरुवर विमल सिंधु जी जन जन का करते कल्याण उन गुरुवर के श्री चरणों में सत बारम्बार प्रणाम सच सत परम प्रणाम भले आचार्य व्यवहार साई महाराज की जय शास्त्र में एक नीतिशार कहते हैं कि काले कलो चले चित्ते देय चांदना की किटके एतचित्तम यद्यापि जिन रूप नरा धरा ऐसे दिगंबर संत मुनिराज के दर्शन मिलने पर भी यदि कोई कहे कि आज सच्चे साधु नहीं मिलते हैं तो उसके बड़ा कोई और विख्यात नहीं है इस महाविषम कलिकाल में पंचम कलिकाल में चीत चंचल है शरीर अन का कीड़ा बना हुआ है ऐसे समय में जिन रूप के धारणधारी दिगंबर साधु मुनिगण जो आज विचरण कर रहे हैं यह आश्चर्य की बात है यह अपना परम सौभाग्य है आगे आगे यह भी ऐसे मुनि मिलने भी मुश्किल हैं इसलिए आचार्य विमल सागरी महाराज इस कली काल में ही इनका जन्म कोशमा नाम की महानगरी जिला एटा में हुआ इनका जन्म का नाम नेमीचंद था और इनके पिता का नाम भैया बिहारी लाल जी और माता का नाम कटोरीबाई था इनका जन्म परवाल में हुआ था यह हमारा बचपन में ही छोटी उम्र में विमल साहि महाराज का माँ का हुआ प्यार छूट गया तब दूसरी कक्षा में नहीं पढ़ना है तो आचार्य विमल से महाराज अभी काट देना मानस कर देना है आचार्य विमल से महाराज गुरुदेव वात्सल्य रत्न के ध्यानी, करुणामयी समतारस के धारी थे वे इस महान पावन समय शिखर क्षेत्र पर आए थे उस समय यहाँ पे आचार्य व्यमसाई महाराज हर अष्टमी चौदस को यहाँ आते थे अभिषेक वगैरह देखते थे और प्रत्येक आचार्य महाविकी के पुण्यतिथि पर सभी साधु लेकर यहाँ संगा करके उनके पुण्यतिथि मनाते थे ऐसे आचार्य वात्सल्य रत्न विमल के महाराज मान तपस्वी थे और इन्होंने अपने जीवन में ग्यारह वर्ष तक का त्याग किया था घी तेल दही नमक का त्याग भी था त्याग किया था और उसके बाद ऐसे आचार्य से महाराज ने हमको कहा था कि आचार्य संभव से महाराज ने इतना बड़ा त्याग साधना की है उनकी तुम सेवा करते रहना उनके चरण में रहना उनका आज्ञा का पालन करना उनकी सेवा करते रहना और अंत में गुरु के आशीर्वाद से अपने आगे की क्षमता समाधि बर्ग की साधना करते रहना ये हमें आशीर्वाद प्राप्त किया था उनके बादचल से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ आचार्य विम्र सिंह महाराज ने हमें गुरु महाराज को सप्तम प्रतिमा व्रत धारण किया था सप्तप्रथम इसके बाद में आचार्य पद भी आचार्य विम्र साहे महाराज की आज्ञा से बारह बाराबंकी समाज ने दिया था इनमें दीक्षा भी आचार्य महावीर महाराज से आपने दिख करवाई थी महाराज से इस प्रकार से आचार्य विम्र साहे महाराज का वास्तवल था और आचर्ष धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और आगे यही यहीं जी में हमें भव्य समाधि हुई है मैं हमें से एक साथ चाहता हूँ हे मंत्र गुरुदेव मुझे भी एक जिस मार्ग आप चले हैं उसी मार्ग हमें भी वास्तव पर समाधि सम्य मार्ग दिखाते रहें